नमस्कार किसान दोस्तों, और एक नई वीडियो के साथ फार्मिंग एरिया यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। भारत का हर एक किसान, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, आसानी से कोई भी फार्म इम्प्लीमेंट या कृषि उपकरण खरीद पाए, इसके लिए सरकार द्वारा सब्सिडी व्यवस्था शुरू किया गया है, जिससे हमारा किसान भाई ट्रैक्टर, वाटर पम्प, पावर टिलर, हार्वेस्टर आदि इम्प्लीमेंट्स सब्सिडी में खरीद पाएँ। आज के इस वीडियो में हम पावर टिलर की सब्सिडी के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर एक किसान भाई के पास ये वीडियो पहुंच पाए और वो पावर टिलर हो या कोई दूसरा इम्प्लीमेंट, वो आसानी से सब्सिडी के तहत खरीद पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आगे जाके जानने वाले हैं पावर टिलर के ऊपर सब्सिडी कितना मिलता है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं, कैसे अप्लाई किया जाता है और इसका पेमेंट सिस्टम क्या है, और आखिर में हम ये जानेंगे इंडिया के चार ऐसे बेस्ट पावर टिलर एंड उसका प्राइस के बारे में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो हर एक किसान भाई के पास पहुंच पाए और वो आसानी से कोई भी फार्म इम्प्लीमेंट को सब्सिडी के तहत खरीद पाएँ। पहले नंबर पर बात करते हैं सब्सिडी अमाउंट। जी हाँ, पावर टिलर के ऊपर 75,000 से लेके 85,000 रुपये तक का सब्सिडी मिलता है। अगर आप जनरल कैटेगरी के फीमेल फार्मर हैं तो आपको 85,000 रुपये का सब्सिडी मिलता है। अगर आप एसटी कैटेगरी के मेल या फीमेल फार्मर हैं तो आपको 85,000 का सब्सिडी मिलता है। अगर आप एससी कैटेगरी के मेल या फीमेल फार्मर हैं तो आपको 85,000 रुपये तक का सब्सिडी मिलता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स। हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पहले नंबर पर चाहिए आपको फार्मर आईडी, दूसरे नंबर पर चाहिए आपको बैंक पासबुक जेरोक्स कॉपी, तीसरे नंबर पर चाहिए आधार कार्ड, और चौथे नंबर पर चाहिए मोबाइल नंबर, जो कि आपका आधार और फार्मर आईडी में रजिस्टर्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं कैसे अप्लाई करें और इसका पेमेंट प्रोसीजर क्या है। इसके लिए आपको नियरेस्ट पावर टिलर डीलर या एग्रीकल्चर ऑफिस में संपर्क करना पड़ेगा। अगर आप ओडिशा से बिलोंग करते हैं तो आप OAIC यानी ओडिशा एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन ऑफिस में भी संपर्क कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करें, इसके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ेगा। बुकिंग होने के बाद आपको 15 दिन दिए जाएंगे मशीन चूज करने के लिए कि आप कौन सा कंपनी का और कितने HP का पावर टिलर लेना चाहते हैं। इसके बाद आपको परमिट मिलेगा। परमिट मिलने के बाद जो मशीन का फुल कॉस्ट है वो आपको डीलर को देना होता है। उसके लिए आप RTGS या NEFT वे भी कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद आपको जो सब्सिडी अमाउंट है 75,000 से लेके 85,000 रुपीज़ का, वो आपको अपने बैंक अकाउंट में वापस मिल जाएंगे। अब आखिर में हम बात करते हैं इंडिया के चार सबसे बेस्ट पावर टिलर और उसका कीमत के बारे में। इसका जो कीमत है अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है। पहले नंबर पर बात करते हैं केमको ER90, इसका कीमत है 1,83,800 रुपये। दूसरे नंबर पर बात करते हैं केमको सुपर DI, 1,93,300 रुपये। तीसरे नंबर पर बात करते हैं BSD शक्ति 130 DI, 1,84,173 रुपये। और चौथे नंबर पर बात करते हैं किलोस्कोर मेगा T15, 2,12,990 रुपये। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपका मन में कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिए ज़रूर। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और क्या चाहिए।